चंडीगढ़ भाजपा को अब अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। संजय टंडन के इस पद पर 10 साल रहने के बाद अब पूर्व मेयर अरुण सुद इस पद पर विराजमान हुए हैं। शुक्रवार को अरुण सुद ने विधिवत रूप से चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। चंडीगढ़ स्थित भाजपा के कार्यालय कमलम में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजय टंडन को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाए जाने की घोषणा भी की। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की संगठन की विकास यात्रा का यह महत्वपूर्ण क्षण हम सब इस क्षण के चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे इस क्षण के अर्थात प्रदेश अध्यक्ष के इस चुनाव के केंद्रीय पर्यवेक्षक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई वाई सत्य कुमार जी, अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय टंडन जी गलत तो नहीं, ये तो आपके हाथ में था, जितना भाषण अपना लंबा करते हो उतनी देर रहते हैं सकते। हमारी सांसद आदरणीय श्रीमती किरण खेर जी, हमारी मेयर श्रीमती राजबाला मलिक जी, हमारे संगठन मंत्री चंडीगढ़ और पंजाब श्रीमान दिनेश जी, ऐसे हमारे उस समय के क्षेत्रीय जो संगठन मंत्री थे और इस समय हरियाणा के एक बार फिर जो मुख्यमंत्री बने, ऐसे पिता तुल्य आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे बीच सत्या कुमार जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, और खास तौर के ऊपर जो साउदर्न इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, उस क्षेत्र के हर क्षेत्र की बोली जानने वाले ऐसे सत्या कुमार जी हमारे बीच, हमारी बड़ी बहन सांसद आदरणीय किरण खेर जी, हमारे संगठन मंत्री दिनेश कुमार जी, हमारे शहर की महापौर राजबाला मलिक जी, मेरी टीम में मेरे साथी प्रेम कौशिक जी, चंद्रशेखर जी, और यहाँ पर उपस्थित यहाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों और बहुत प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं, और खास तौर पे अग्रिम पंक्ति में अरुण सूद जी के परिवार से आए हुए उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी, सब सदस्यगण, आपका आज कमलम में आने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उस समय बैटन पकड़कर मैंने ये काम शुरू किया था और आज वही बैटन जो है मैं आगे आने वाले अध्यक्ष को पकड़ाऊंगा। ये तो पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहरबानी रही है कि उन्होंने ये काम मेरे को करने दिया, परंतु ये है कि पिछले 3-4 बरस में कई बार ऐसा क्षण आए कि मैंने खुद जाकर भी कहा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहा कि मेरे को अब रिटायरमेंट दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा बस थोड़े दिन ही और हैं, थोड़े दिन करते करते ये समय निकल गया। मेरे को उस दिन का ध्यान आता है कि जब मैं आया था यहाँ पे तो अध्यक्ष के तौर के ऊपर, तो ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सर के ऊपर आ गई, और वो जिम्मेवारी का एहसास ऐसा लगता है क्योंकि हम 3 बार
जो है पार्लियामेंट का चुनाव हार चुके थे, दो बार हम लोग कॉरपोरेशन का चुनाव हार चुके थे, तो मन में ये होता था कि यार कुछ तो कर सकें, लेकिन समझ नहीं आता था कि करें कहां से, शुरू कहां से करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।